हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें आपसे चाहिए क्या? क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है? क्या उनकी डिमांड है? क्या उनकी वॉन्ट है? क्या उनकी होप है आपको लेकर? हम ये जानेंगे। ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, चाहे वो जो भी हों, एक्स हैं, करंट हैं, क्रश हैं, कोई भी हो सकता है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है एक्यूरेटली रेजोनेट करे, कुछ परसेंट करे, बिल्कुल ना करे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए इसमें ज़बरदस्ती आप अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लेट्स सी थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके व्यूअर्स, तो पहला कार्ड है यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं? रैंडमली ओके, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, वी नीड वन कार्ड एंड फाइव ऑफ वैंड्स। इंटरेस्टिंग, हम अभी आगे और भी क्लैरिफाई करेंगे, बट लेट्स वेट। आई होप दिस कार्ड्स आर विजिबल टू यू। सबसे पहली चीज व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि ये जो भी इंसान है, ऐसा लगता है कि ये आपसे चाहते हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी आप दोनों के बीच जो भी इश्यूज हुए हैं, या जिस भी वजह से आप दोनों का दिल टूटा है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से आप दोनों का दिल टूटा है, या आप दोनों के बीच में दरार आई, या आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो चाहते हैं कि वो सब कुछ फिक्स हो जाए और वो सब कुछ रिपेयर हो जाए, फिक्स हो जाए और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। यानी कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है, उसमें जो भी इश्यूज हैं वो सारे फिक्स हो जाए, ठीक हो जाए, और उनका रिश्ता आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके लिए आप भी अब इंटेंशनली कुछ करो। ओके, आपका भी एफर्ट इसी डायरेक्शन में हो कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए और जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है वो फिक्स हो जाए, वो ठीक हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस डायरेक्टली हुआ है या इनडायरेक्टली हुआ है, लेकिन किसी तीसरे का इंटरफेरेंस हुआ, वो कोई थर्ड पार्टी। और ऐसा लगता है कि उस इंटरफेरेंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी उस वजह से बहुत हुई। तो यहाँ पर व्यूवर्स आपसे चाहते हैं कि ये जो आप लोगों के बीच में एक 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 ऐसी वाइब आ गई है, एक ऐसी एनर्जी आ गई है जहाँ पर पेन है, कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, नाराज़गी है, वो सब चीज़ें लेट गो करके एक नई शुरुआत करें, उसको भुला के या उसको ठीक करके, यू नो, उस पर वर्क करें। तो वो चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि वो तो चाहते हैं ऐसा, वो तो चाहते हैं कि ऐसा हो और सब कुछ ठीक हो। और वो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं आप चाहते हो कि नहीं ऐसा हो, क्या पता आप जो भी कुछ हुआ उसके बाद आप फेडअप हो चुके हैं, उसके बाद शायद आप इस सिचुएशन को लीव करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, ओके, लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं, सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं कि नहीं, दे डोंट नो, बट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही चाहो और इसी दिशा में काम करो। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। आप शादी कह लीजिए, या तो आपको अपनी फैमिली का पार्ट समझते हैं, या आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो चाहते हैं।
तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे शादी की हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे फ्यूचर की हैं, एक फ्यूचर स्टेबिलिटी की, एक फ्यूचर हैप्पी मैरिड लाइफ की जो इन फ्यूचर होगी, तो वैसी एक्सपेक्टेशन भी है इनकी। ये आपको लेकर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं या सोच रही हैं। मेल फीमेल आप दोनों में से किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो सकते हो, चाहे उन्होंने पहले आपको लेकर इतना लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा, पर अब ऐसा लगता है कि सोच रहे हैं आपके साथ शादी, बच्चे, फ्यूचर, ये सब उन्होंने सोचा है और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लो, आपसे वो चाहते हैं कि आप भी यही चाहो। जैसे वो चाहते हैं आपसे शादी करना, वो ये सोचते हैं कि काश आप भी ऐसा ही विश करो, आपकी भी यही वांट हो, आपकी भी यही होप हो या डिज़ायर हो, वो ये चाहते हैं या चाहती हैं। सो दे वॉन्ट टू मैरी यू आई थिंक, ऐसा लगता है। व्यूअर्स ये आपसे ना कुछ जस्टिस भी चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं, सिचुएशन से भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों के साथ ही अनफेयर हो गया कुछ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के आपके साथ कुछ गलत किया, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, या कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ना एक तरह से इस रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए थे, या इस कनेक्शन को बनने से पहले या स्ट्रांग होने से पहले ही ख़त्म करना चाह रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ लोग व्यूअर्स आप दोनों को दूर इसीलिए कर रहे थे, वो जेलिस थे, इनसिक्योर थे, या कहीं ना कहीं वो भी अटेंशन सीकर थे, या कुछ तो ऐसी बात थी जिस वजह से लोग दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इतने सारे आउटसाइडर्स का जो इंटरफेरेंस हुआ है, इतने सारे आउटसाइडर्स का जो इंटरफेरेंस हुआ है और जो उन्होंने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, जो उन्होंने चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, उसमें आप दोनों के साथ ही नुकसान हुआ, यानी आप दोनों का ही उसमें नुकसान हुआ, आप दोनों का ही उसमें लॉस हुआ। अब आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं आपसे कि आप सही फैसला लो इस समय। गलत तो उनके साथ भी हुआ है, इसीलिए सिर्फ वो गलत हैं या उनकी गलती है ऐसा ब्लेम करने की जगह आप एक फेयर डिसीजन लो। अगर आपको स्टे करने का डिसीजन लेना है या लीव करने का डिसीजन लेना है, तो एक फेयर डिसीजन लो। क्या क्या होगा एक फेयर डिसीजन? वो तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे शादी, जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है वो फिक्स हो जाए, ये सब एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या चाहते हो? आपको एक फेयर डिसीजन लेना होगा। वो आपसे ये चाहते हैं कि जो भी आपकी नज़रों में फेयर है, जो भी आपकी नज़रों में जस्टिस है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक फेयर डिसीजन लीजिए। दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वो तो फ्यूचर में आपके साथ बच्चे भी चाहते हैं, खुशियाँ भी चाहते हैं, तो उनकी लिस्ट या उनकी डिज़ायर जो है, उनका ड्रीम जो है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है, या इट लुक्स लाइक कि जैसे ये ऐसा भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िद छोड़ो पहले तो, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर वेरी स्टबर्न एंड यू आर वेरी बॉसी एंड पावरफुल। ओके, तो उनको लगता है आप काफ़ी बॉसी हो, पावरफुल हो, तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस वाली क्वालिटी है कि आप डोमिनेट करते हो सिचुएशन को। नॉट दैट कि आप चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, डोमिनेट वैसे ही करते हो, अपने एटीट्यूड से ही सिचुएशन को आप डोमिनेट करते हो एट टाइम्स। तो उनको ऐसा लगता है पहले तो आप अपनी ज़िद छोड़िए। अब किस चीज़ की ज़िद पर आप हैं, किस चीज़ पर आप अड़े हुए हैं, किस चीज़ पर आप कुछ ठान के बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आप पहले अपनी ज़िद छोड़ें, अपना ये जो मैंने सोचा है वही सही है, या ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसा ही होगा, दैट्स व्हाट आई वांट, यही मेरी इच्छा है। थोड़ा सा ना आप अपनी ज़िद को साइडलाइन कीजिए। ये वो चाहते हैं कि आप ज़िद्दी बहुत है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना डोमिनेटिंग होना। अब चाहे आप डोमिनेटिंग ना हो, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी पावरफुल है, बॉसी है, थोड़ी सी स्टबन है, तो वो चाहते हैं कि आप ये अपनी स्टबननेस जो है इसे कम करें। व्यूअर्स, वो तो आपके साथ अपना फ्यूचर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। देखिए, वो क्यों चाहते हैं कि आप अपनी स्टबननेस कम करें, एक फेयर डिसीजन लें, वो आपसे इसीलिए ऐसा चाहते हैं व्यूअर्स, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ों में दूसरों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये तो है, लेकिन कभी कभी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, एक दूसरे को इनफ कह सकते हैं, इनफ चांस नहीं देते हैं किसी को समझने का।
तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो वो चाहते हैं कि आप एटीट्यूड कम करो, जिद्दी होना कम करो, एक फेयर डिसीजन लो। मेरा इंटेंशन यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम शादी करें, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, भविष्य में खुशियां आए हमारे पास। वो तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो आपके साथ शादी, इंजॉयमेंट, पार्टी, सेलिब्रेशन, डांस, मस्ती, ये सब आपके साथ करना चाहते हैं। उन्हें तो आपके साथ अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, उन्हें तो आगे जाके आपके साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करने हैं, ये आपके साथ वो चाहते हैं। ओके, वो आपके साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ, यू नो, सब मिलकर वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखिए, जस्टिस को ही क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स यहाँ पर ये ऐसा भी चाहते हैं दैट आप जो हैं कहीं ना कहीं इनको भी चांस दें सच बोलने का, या इनकी भी सच्चाई सुने, इनकी साइड ऑफ स्टोरी सुने, इनका एक्सप्लेनेशन, इनका क्लैरिफिकेशन, इनका आंसर जो है आपके क्वेश्चंस को लेकर या आपके डाउट्स को लेकर इनका जो क्लैरिफिकेशन है वो आप सुने। ओके, इनकी तरफ से इनकी मिस्टेक्स का जो कन्फेशन है या जो भी जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हो सकता है अपने इंटेंशंस और अपने मन की इच्छाओं को लेकर कुछ रिवील करना चाहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि आप मेरे बारे में कोई इमेज बनाने से पहले, मेरे बारे में कोई डिसीजन बनाने से पहले, कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालने से पहले, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मुझे रिवील करना है, जो मुझे एक्सप्लेन करना है, जो मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ वो तो सुन लो। यानी पहले मुझे समझो, मुझे एक मौका दो कि मैं अपने आप को आंसर करूँ, क्लैरिफाई करूँ, जस्टिफाई करूँ, फिर आप एक फेयर डिसीजन लो, उसके बेसिस पर आप एक फेयर डिसीजन लो। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो चाहते हैं आपसे कि आप कहीं ना कहीं उनको कुछ क्लैरिफाई करने दें, कुछ एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी शायद ऐसी है कि आप इतने जिद में हैं कि आप किसी से कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आपके अंदर एक डिटैचमेंट सा आ गया है, आपके अंदर ना एक जैसे कहते हैं ना कि एक बार मेरा मन किसी से हट गया तो फिर वापस नहीं लगता, या फिर एक बार मेरे मन से कोई उतर गया तो वापस फिर वो इंसान नहीं आ सकता मेरे मन में। तो वही बात आपके बिहेवियर में लग रही है और उनको लग रहा है कि आप जिद्दी हो रहे हो, लेकिन आपके बिहेवियर की ये बात है कि आप सडन डिटैचमेंट आपको हुआ है किसी सिचुएशन से जहाँ दिल टूटा, आप दोनों ही सफ़र किए और उसमें आप ना काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ना काफ़ी अमेज्ड हो गए, काफ़ी शॉक्ड हो गए, और उसके बाद ना आपका सडन डिटैचमेंट हुआ है। फिर ये इंसान आपके मन से उतरा या आपका मन इस इंसान से हटा, कुछ भी कह लो, तो उसके बाद ना आप इनका सच झूठ अच्छा बुरा सुनना भी नहीं चाहते हैं, बट वो अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं। उनको लगता है वो सही हैं, आप उन्हें इनफ समझ नहीं रहे हैं, इनफ चांस नहीं दे रहे हैं समझने का। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जहाँ पर दो बंदरों की लड़ाई में किसी और का मजा हो गया वैसा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, दूसरे किसी की इंटरफेरेंस की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आए थे। तो उसके लिए आप दोनों ही खुद अपने रिश्ते को और अपने प्यार को भी कहीं ना कहीं सफर करवा रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, और ये चाहते हैं वो कि आप सब कुछ सुन समझ के, पूरी स्टोरी समझ के ही कोई फेयर डिसीजन लें। आधी बात जानकर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो वो डिसीजन भी गलत होगा, बाद में उस डिसीजन पर आप लोगों को रिग्रेट भी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि पहले समझो, पहले मुझे चांस तो दो समझाने का। ऐसा व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। अगेन वही बात, आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, मे बी फर्स्ट यू ट्राई आपने काफ़ी कोशिश की हो सकती है शुरू में, बट नाउ इट लुक्स लाइक कि जैसे आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी आपसे बोल नहीं रहे हैं बात करो, बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप करो इनसे बात, चाह रहे हैं कि आप आके इनसे बात करो, जिससे ये भी ओपनली अपने मन की बात आपसे कह पाए, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में भी बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं। भरे, जैसे कहते हैं ना, इंसान का मन और दिमाग एकदम भरा हुआ है, एकदम भरा बैठा होता है जब इंसान, और उसको मौका मिलता है तब वो एक्सप्लेन करना, कन्फेस करना, बोलना शुरू करता है, वो उनकी कंडीशन है। उसके लिए
आप उनसे आके पहले बात करो तो वो अपनी कहानियां सुनाना शुरू करेंगे। सामने से आके कैसे बताएंगे? जैसे हम कहते हैं कि हमें इसका जवाब पता था, हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था, मुझे पता है उसको किसने मारा था। तो लोग बोलते हैं आपने बोला क्यों नहीं, कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा, किसी को इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि मुझसे आके पूछे, या किसी को इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि कोई मुझे पूछे एक बार, तो मैंने भी फिर इतनी ज़रूरत नहीं महसूस की कि मैं जाके सबको बताऊँ। वैसी ही बात है, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, वो वाली बात है यहाँ पे कि हमसे आके आप बात तो करो, मैं सब बताऊँगा, या आप थोड़ा इतना थोड़ा सा आप ना व्यूअर्स थोड़े से स्टिफ हो रहे हो, थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हो, नॉट डिफेंसिव बट थोड़े से स्टबन हो रहे हो, तो उस वजह से वो चाहते हैं थोड़ा सा आप खुल जाओ और उनको उनको थोड़ा फ्री होने का, कंफर्टेबल होने का चांस तो दो जिससे वो ओपनली कुछ कह पाए। जोड़ी एक साइंस देखिए, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एंड यही जोड़ी एक साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर मैंने कोई जोड़ी एक साइन नहीं भी बोला है जो आप लोगों का है, तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि सभी जोड़ी एक साइंस को लेकर है, फिर भी जो प्रोमिनेंट चैनल होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके व्यूअर्स, यार तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना कहीं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। लेट मी सी मोर इनटू इट, इफ आई कैन डिग मोर इनटू दिस। देखते हैं और क्या है यहाँ पे, व्हाट एल्स दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और वो आपसे क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दिस पर्सन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपको सेफ ही नहीं लग रहा है इनसे प्यार करना, आपको इनसे प्यार करना एक खतरे की घंटी, एक रिस्की काम लग रहा है। इनसे प्यार करना मतलब रिस्क उठाना, इन पर विश्वास करना यानी कि खतरा मोल लेना, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा ट्रिकी, रिस्की और डिफ़िकल्ट टास्क लगता है कि इस इंसान पर आंख मूंद के विश्वास कैसे कर लिया जाए। आई कैन नॉट डू दैट। तो वो चाहते भी हैं ये कि आप उन पर ट्रस्ट करें, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ सेफ यानी कि सिक्योर और बहुत ट्रस्ट फील करें, वो चाहते हैं आपसे ऐसा, बिकॉज ये दे नो कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो ये भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को उतनी वैल्यू दो, उतनी इम्पोर्टेंस दो कि जैसे ये रिश्ता बहुत बरसों पुराना है या बहुत स्पिरिचुअल है या कहीं ना कहीं पुराने जन्मों से जुड़ा हुआ है, उस टाइप का आप वैल्यू दो। क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, बट जिस तरह के कॉम्बिनेशंस में आया है, जिस तरह के क्वेश्चंस में आया है, साफ दिखता है कि वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को ऐसा महत्व दो जैसे ये जन्मों जन्मों का रिश्ता हो, ऐसा महत्व आप दो, ऐसा विश्वास आप करो। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप मन ही मन उन्हें माफ़ कर दो, चाहे उनकी हिम्मत नहीं हो माफ़ी मांगने की, चाहे उनके अंदर इतना करेज ना हो, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो, इतनी गट्स ना हो कि वो आपके सामने आए, आपको फेस करें और आपको फेस करके आपसे आपको कन्फ्रंट करें, आपसे माफ़ी मांगे, उनके अंदर शायद इतने गट्स ना हो। लेकिन व्यूअर्स उनको रियलाइजेशन है, चाहे वो सामने आके अपोलोजाइज नहीं कर पा रहे लेकिन उनके अंदर रियलाइजेशन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट एज यू, जैसे कि वो आपसे कह रहे हों, ओके, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आपसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही आप पास्ट को रिलीज कर दोगे, हील कर दोगे, तो आज करेंटली जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, उसमें ज़्यादा आपको प्यार महसूस होगा। अगर आप पास्ट को रिलीज कर दोगे या कहीं ना कहीं उसको हील कर लोगे और उनको मन से माफ़ कर दो, क्योंकि कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का, उनको एहसास हो गया है, अगर आप उन्हें अपनी जगह जहाँ पर भी आप हो वहाँ से अपना दिल साफ़ करके उनको माफ़ कर दोगे, तो बहुत कुछ हील हो जाएगा इस रिश्ते में, क्योंकि उनका इंटेंट तो शुरू में ही था कि रिश्ता हील हो जाए। Let's take the last card. Time apart for your partner is on the horizon. कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब भी डर है, आप जितने भी उनसे दूर हुए हो उनको डर लगता है कि वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, एंड दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट ऑल।
दे हैव दैट फियर, उनको लगता है कि अरे वो समय आ गया जब आप मुझसे दूर हो जाओगे, अरे ये वही समय आ गया जब आप मुझसे सेपरेट हो जाओगे, जब आप मुझसे अलग हो जाओगे हमेशा के लिए, वही समय आ गया जब मैं आपको खो दूंगा। तो एक डर उनके मन में कंटिन्यूसली बना हुआ है कि वो खो देंगे, और ऐसा नहीं खो देंगे कि मतलब अभी ब्रेकअप नहीं हुआ या अभी आप बात नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, लेकिन खो देने का मतलब यह है कि उनको लगता है वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, आप कभी उनके पास लौट कर नहीं आने वाले। आप मूव ऑन कर लोगे, लाइफ में मूव ऑन कर लोगे, यू विल मूव फॉरवर्ड, यू विल फाइंड समवन एल्स, आप कोई किसी और को ढूंढ लोगे, कोई और आपको मिल जाएगा, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। उसको वो समझते हैं कि खो देना पूरी तरह से, तो उनको डर है इस बात का, तो वो आपसे ऐसा चाहते हैं कि आप उनके इतने अपने हो जाओ, इतना ट्रस्ट कर लो, इतना ज़्यादा उनके साथ सेफ और सिक्योर फील करो, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको माफ़ करके उनको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हील करो, इस रिश्ते को महत्व दो, तो आपको वो कभी खोएंगे नहीं ऐसा। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूवर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करिएगा और रीडिंग को क्लेम करिएगा, जिन पर भी आपका फेथ है, कमेंट्स में थैंक यू लिखिएगा। बाय बाय।